तो व्यूविंग गैलरी इप्पुडु एलिवेटर्स उन्नाई पैकि सर्दार वल्लभभाई पटेल निलवेतु विग्रहम लोपलिकि लोपल नुंचि लिफ्ट उंटाई पैकि एक्किन तर्वात अक्कड परिस्थिति एमुंदि अक्कड అక్కడి నుంచి కింది ఈ కెవిడి కాలనీ మొత్తం ఎలా కనిపిస్తుంది పైకి వెళ్ళి చూస్తాం రండి నాకు చాలా పెద్ద క్యూ ఉందండి చూద్దాం ఎంత పెద్ద క్యూ ఉందండి ఓయమ్మో ఇంకా పెద్దది ఉంది అది తెలిసేది 1 అవర్ పడుతుంది పైకి ఎక్కడానికి अब इंत क्यू अंडी पैके सरदार वल्लभ भाई पटेल का ली पैके इंत क्यू उ क्यू निवड़ाई रिकमें कथ कर्कना मन ऐसा क्यू इतना बड़ा क्यू है देख रहे भैया क्यों कितना टाइम लगेगा अंदर जाओ ऊपर जाने में क्यों इनका एक्सपीरियंस ना कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में भैया ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट बस उतना इतना बड़ा क्यों उतना में खत्म हो जाएगा तो थैंक यू एक लाइन बना लीजिए ना अंदर से हो जाएगा लेफ्ट लो नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू की पाई की हेल्प में आपको एंड से बहुत ज्यादा अंदर फुल पैक होने लिफ्ट अंदर पाई को चेसाम तुम चोल मूसको फ्लैट एट फ्लैट चूद रउंड लाबीला लोकल अंत रउंड तरह मैं चूदा इवीं पिलर्स स्टील रॉड पिलर्स अवी उ अंदर आ जाइए सर स्टैचू के बारे में इंफॉर्मेशन जिनको भी सुननी हो वो सुन सकते हैं हाय मैडम इपू स्टाचू एट्ला कटार एनी मैडम उ मैं क्लियर एक्सप्लेन ओपक स्टाचू संबंधी अभी आप सरदार साहब के चेस्ट पर हो चेस्ट हार्ट उनके बॉडी के अंदर सरदार साहब के दिल के अंदर हो 38 सेकंड में आ जाते हो ना पता नहीं चलता ठीक है लिफ्ट फास्ट है ये दोनों लिफ्ट सरदार साहब के पैरों में आती है जाती भी पैरों में ही है यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर है 47 मीटर 150 फीट ऊपर लिफ्ट नहीं जाती है सीढ़ी है L&T वर्कर जाते हैं दूसरा कोई नहीं जाता मैक्सिमम हाइट पर आप आ गए हो चेस्ट तक ये जाली वाला पोर्शन दिख रहा है आपको वो सरदार साहब ने जो कोट पहना है ना वो है बाहर जो दिख रहा है आउटर पार्ट वो शोल्डर के ऊपर शॉल का हिस्सा है ये बीच वाला पोर्शन बटन पट्टी वाला हिस्सा वो बटन है ऊपर देखोगे तो बटन दिखेगा उसका डायोमीटर 1.1 है अब बाहर के मटेरियल की बात करेंगे हम पूरा मटेरियल ब्रॉन्ज है मेटल गुजराती में कासा भी बोलते हैं 85% कॉपर और 5%
टिन जिंक का लीड डाला है, जंक नहीं लगेगी। 6.5 की स्क्वायर से अर्थक्वेक भी आ गया तो भी निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी आ गई तो भी निकल जाएगी। सरदार साहब की स्टेचू 182 रखी है, क्यों? क्योंकि गुजरात की सीटें है विधानसभा की 182, इसी हिसाब से बनाई है। सरदार साहब की स्टैचू की बनाई मोदी जी ने, क्योंकि सरदार साहब ने पूरे भारत को जोड़ा था, इसलिए एकता की प्रतीक के रूप में बनाई है। सरदार साहब की स्टैचू बनाने का मेन कारण है 3 किलोमीटर डैम। आपको डैम दिख रहा है 3 किलोमीटर, नाम है सरदार सरोवर डैम। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम, वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था 1946 में, भारत आजाद नहीं होता उससे आगे, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी बिना यूज हुए समुद्र में जा रहा था। स्टेट यहाँ एक डैम बना दे तो सौराष्ट्र कच्छ को पानी मिले, जहाँ पानी नहीं वहां भी नर्मदा नदी पहुंची है, और डैम भी कंप्लीट किया है मोदी जी ने। 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। ये डैम बनाने में बहुत साल लग गए, 56 ईयर। ये राइट साइड पर माउंटेन है, उसको सातपुड़ा बोलते हैं, 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र। लेफ्ट साइड पर विंध्याचल पर्वत, यहाँ से 45 किलोमीटर MP, यहाँ गुजरात की बॉर्डर लगती है। पीछे पानी दिखता है इवीन गैलरी से, वो पानी है 214 किलोमीटर भरा हुआ है। गुजरात में कभी 3 साल तक पानी नहीं रहेगा तब भी दे सकते, इतना पानी है। गुजरात की लाइफ लाइन है। यहाँ आइलैंड था उसको कटिंग किया, 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया। L&T ने पहले 2 पिल्लर जो तैयार किए, 2 पिल्लरों में डालने में आया है कॉन्क्रीट, सीमेंट और लोहा। ये बनाने से पहले मोदी जी ने लोहा कैंपेन चलाया था, सब किसानों के पास लोहा भी मांगा था प्रतिमा बनाने के लिए। 134 मैट्रिक टन आया था, सब जगह से उसको रिफाइन करके सड़िए बनाए थे, वो सड़िए 2 पिल्लरों में डाले हैं। सबसे ज्यादा सड़िए डाले ने फाउंडेशन के अंदर बेज में 58, क्योंकि सारी स्टैचू का वजन उसके ऊपर ही है। बाहर लोहा लगता तो जंग लगती, इसीलिए बाहर जो है 1700 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज। सरदार साहब के कपड़े का वेट 1700 मैट्रिक टन है और 6000 से ज्यादा प्लेटें हैं। हर एक पार्ट पर टैग दिया है, उसमें नंबरिंग डाला है, आप देख सकते हो। इन फीचर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं। ये वाइट दिख रहा है स्ट्रक्चर और स्टील, 6000 मैट्रिक टन लगा हुआ है। पिल्लर के साथ ज्वाइंट है, पार्ट के साथ भी ज्वाइंट है। L&T ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, 3.5 साल में बनाई हुई है, 46 मंथ पे। पर इसके जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे उनका नाम राम बी सुथार था, महाराष्ट्र थे, धुलिया डिस्ट्रिक्ट के थे। जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था 90 साल की उम्र थी, अभी 96 एज के हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है, अभी भी काम करते हैं राम बी सुथार। नीचे फोटो आप देख सकते हो। अभी आपको स्ट्रक्चर और स्टील देखना है, बैक साइड जाना है, म्यूजियम में जाना है, उनके पैरों पर भी जाना है, वेली भी देख सकते हो, लास्ट में लेजर शो भी देख सकते हो। चेस्ट का पोर्शन क्यों रखा, क्योंकि 200 से ज्यादा आदमी देख सकते हैं, और सरदार साहब का सपना था ना डैम का, सब उनके दिल में ही आए और दिल से ही उनका सपना देख सके, इसीलिए ये पॉइंट रखा है। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। थैंक यू, थैंक यू। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नाइट टाइम लो सरदार पटेल स्टैचू संबंधित डिजाइन चूडंडी, चाला బాగున్నాయి, కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. You don't need